ये 8 मुहर्रम का दिन है और यहाँ पर कोई लियाकताबाद 4 नंबर पे हम विज़िट कर रहे हैं, तो ये इस वक्त चपाती तैयार हो रही है। तो हमने देखा काफ़ी रश है एक जगह पे जो बन कबाब का कार्ट है, वहाँ चलते हैं। वेलकम बेकर से आगे ही है, लियाकताबाद 4 नंबर में यूनाइटेड फूड्स है, उससे हम आगे की तरफ जाते हैं। यहाँ पर बर्गर और बन कबाब की दुकान दिख रही है, काफ़ी लोगों का रश देखा था, अभी थोड़ा थोड़ा रश भी कम हुआ है। ये अंडे वाला बर्गर है सर, ये अंडे वाला बर्गर है जी। कितने का है? 120 120 रुपए का है। ये अंडे वाला गरम गरम बर्गर तैयार हो रहा है। सर किस नाम से आपका कार्ड है ये? आइडियल बर्गर। आइडियल बर्गर यूनाइटेड बेकरी, यूनाइटेड फूड के बराबर में। एक अंडे वाला बर्गर देना। अच्छा, अंडे वाला बर्गर एक हमारे सामने बनाइएगा। अंडे वाला बर्गर ही तैयार हो रहा है सर? ये अंडे वाला बर्गर ही तैयार हो रहा है। देखें, आइए हम थोड़ा सा देखते हैं। ये अंडे वाले बर्गर की तैयारी जारी है। ये अंडा डाला, अब अंडे को फेंटा जा रहा है। अंडे वाले आइडियल बर्गर के नाम से दुकान है। कितने साल पहले से टाइम है दुकान? ये 13 साल होगा। 13 साल से मौजूद है आइडियल बर्गर की दुकान पर, कार्ट पर मौजूद है। टोटल 3 पीस। ये दाल के कबाब होते हैं मेरे भाई, दाल के कबाब अंडे वाले अंडे के साथ 120 रुपए का। क्या टाइमिंग है आपकी कार्ट का? ये कब तक खुला रहता है आइडियल बर्गर? सुबह 1 बजे से लेकर रात में 3 बजे तक होता है। सुबह 1 बजे से लेकर रात में 3 बजे तक। ये देखें जी, माशाल्लाह से अंडे वाले बर्गर की तैयारी चल रही है। अपनी वीडियो में शहजाद भाई को ज़रूर दावत दूंगा कि यहाँ पर आएँ, यूनाइटेड फूड के बराबर में आइडियल बर्गर भी चेक करें भाई आके। शहजाद भाई को बहुत शौक है ना बर्गर खाने का, तो मैंने भी काफ़ी रश देखा था यहाँ पर, तो फिर थोड़ा बहुत रश कम भी हुआ है, मगर लोग अभी तक वेट कर रहे हैं। जी भाई भी वेट कर रहे हैं। सर आप कुछ बताएंगे कैसा लगता है आपको बर्गर? जी कहाँ से आए आप लेने के लिए? काफ़ी अर्से से लग रहा है आप खा रहे हैं, वेट कर भाई वो चौक पे जी। भाई ये वो चौक पे बैठे हैं ये भाई लेने आए। अच्छा, हमारे देख दोस्त हैं, क्या नाम है आपका? कबीर। कबीर भाई, कबीर मोहम्मद कबीर भाई ने बताया कि काफ़ी चलते हैं और मैं काफ़ी दूर से और बड़े शौक से खाने आता हूँ यहाँ बर्गर। अच्छा, अभी गोभी डाली गई है दही के बाद, अब रायता डलेगा। और बर्गर की तैयारी हो रही है। सर आप बताएं ना बर्गर की, आप तो छोटे भाई के साथ आएँ, बड़े भाई के साथ आएँ? छोटे भाई, छोटे भाई के साथ खास तौर पर लेके आए आप बर्गर। क्वालिटी है और फ्रेश बिल्कुल होता है, साफ सुथरा बिल्कुल आता है, इस वजह से हर बंदा लेने के लिए आता है। अच्छी चीज़ होगी, अच्छा ब्रांड किसी का भी होगा ना, जाहिर है बंदे वहीं पर ही होते हैं, रश भी वहीं पर ही होता है। माशाल्लाह से यहाँ रश बहुत होता है, मैंने देखा है। साफ और फ्रेश और अच्छी चीज़ें। अच्छा, इस 120 के बर्गर में माशाल्लाह से चीज़ें देखी मैंने, काफ़ी डालते हैं, अंडा भी है, कबाब भी है, खीरा भी है, चटनी भी है, और अच्छी तरह गरम करके। जिनका बर्गर वगैरह है, कोई भी चीज़ कम चलती है ना, तो वो क्वांटिटी में माल कम लेते हैं, तो उनको थोड़ा महंगा पड़ जाता है। इनका बर्गर इतना चलता है, जैसे ये क्वांटिटी में माल लेते हैं तो वो भी कम पड़ता है, तो ये उससे कमाते नहीं है बल्कि आप लोगों को फ़ायदा पहुँचाते हैं। नहीं माशाल्लाह से मैं तो अभी देख रहा हूँ रश ही रश है, हाथ रुकता नहीं है इनका, और ये बर्गर की तैयारी है। सर आपका नाम? मेरा आमिर शाह। आमिर शाह, आमिर शाह भाई 8 मुहर्रम के दिन रात के 12 बजे हल्का पुला टेस्ट करने के लिए आए हुए हैं। बहुत इंजॉय कर रहा है।
अच्छा केचप भी डाला जा रहा है, काफ़ी चीज़ें डाली जा रही हैं 120 रुपए के बन कबाब में। अब मसाला फुल लोडेड बन कबाब हो गया है, बर्गर भी कह सकते हैं इसको, बन कबाब भी कह सकते हैं, डबल अंडे वाला। कितने अर्से से टाइम है सर? 12-13 साल। और कब खोलते हैं आप लोग शॉप? शाम में 1 बजे खुलती है, रात में 3 बजे बंद। रात के 3 बजे तक अगर आपको लेट नाइट माल खत्म हो जाता है बेटा, लेट नाइट भूख लगे तो रात के 3 बजे तक मौजूद होते हैं भाई हमारे। आपका नाम क्या है? अदनान भाई। आपका? अदनान और फैजान भाई से आपके रात के 3 बजे तक आके खा सकते हैं आप, लेट भूख जैसे 1-1.5 बजे आपको भूख लगे तो आप आ जाएं, आप आइडियल बर्गर पर विज़िट करें, खाएं। माशाल्लाह से मैंने भी चेक किया है, बहुत मज़े का है। सर मुझे भी प्लेट में दिखाइएगा बर्गर प्लेट में दिखाते भाई हमारे को, व्यूअर्स को तो दिखाएं कि बनने के बाद कैसा लग रहा है बर्गर। ये देखें थोड़ा करीब लाएं। ओह माशाल्लाह माशाल्लाह, पूरी लोड हो गया भाई ये 120 रुपये में, आराम से आपका पेट भर के खाएगा एक आदमी, मैं दावे के साथ कहता हूँ। इतना बड़ा अंडा, गोभी, खीरा, केचप, हर चीज़ डाली गई है, प्याज़।